बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फैसल मुगल। और आप देख रहे हैं पाइक में पी के एनर्जीज बहुत ज़्यादा डाउन है। हमारी ये लास्ट वीडियो है आज की और डेढ़ बज रहा है। काफ़ी सारी वीडियो मैं बता रहा था आपको, अभी सहरी को डेढ़ घंटा रहता है, तो हमने सोचा क्यों ना हम लास्ट वीडियो बना दें। आज की जो वीडियो है, ठहरें नीचे ना जाएँ, वापस ऊपर आ जाएँ। आज की जो वीडियो है ये कैफे रेसर के बारे में है, लेकिन कंप्लीट वीडियो देखने से पहले अगर अभी तक आपने बाइक मेट पी के को सब्सक्राइब नहीं किया तो एकदम नीचे गए ना कड़ा बाइक है, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। आज मैं मौजूद हूँ न्यू पार्क ट्रेडिंग कंपनी रावलपिंडी पे, और इनके तमाम सोशल मीडिया लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, इंक्लूडिंग यूट्यूब चैनल लिंक भी, तो गो ओवर देयर, सब्सक्राइब टू देम एज वेल। फैसल भाई, बताइएगा कौन सा मोटरसाइकिल आज लेके आए हैं आप हमारे लिए? जी, ये 250 cc में हमारे पास कैफे रेसर है और मेड बाई लॉन्सन है, और काफ़ी ज़्यादा ये इसके अंदर जो चेंजिंग की गई है, इससे पहले भी हमने काफ़ी ज़्यादा कैफे रेसर इम्पोर्ट किए हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़बरदस्त बेस्ट ऑप्शन है। और फ्रंट पे इसके आप देख सकते हैं सिंगल डिस्क है विद सिंगल पिस्टन कैलिबर, और जो रिम साइज़ है फ्रंट एंड बैक पे 17 इंच के हमें रिम मिल जाते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है कि अमूमन कैफे रेसर्स में हमें डिस्क ब्रेक नहीं दी जाती, तो इस बाइक में स्पेशली इंक्लूडेड है, और ये पक्का पकाया बना बनाया, मतलब जैसे हमारे पास इन्फिनिटी 150 cc है उसी तरह ये मोटरसाइकिल है, लेकिन ये 150 नहीं है, ये 250 cc है। बिल्कुल ऐसे ही है, 250 cc कैटेगरी में है। और कैफे रेसर मोस्टली जो होता है सिंगल राइडर्स के लिए होता है, लेकिन ये कि इसके अंदर सीटिंग स्पेस इतनी है कि टू राइडर्स भी ईजिली इसके ऊपर बैठ सकते हैं। और इसमें जो मेनली बात की जाए इसके इंजन की हॉर्स पावर की, तो इसकी हॉर्स पावर है तकरीबन 19 हॉर्स पावर है 8000 RPM के ऊपर। सबसे मेनली चीज़ इसकी साउंड है, काफ़ी ज़बरदस्त एट्रैक्टिव है, और इसको आपको स्टार्ट करते हैं इसकी साउंड भी टेस्ट करवाते हैं। और इसमें एक और चीज़ जो इन्होंने नहीं बताई वो है इसका सेल्फ स्टार्ट, तो सेल्फ स्टार्ट से इसे स्टार्ट करते हैं। अभी आइडलिंग में साउंड है इसकी, अभी इसे रेव करके देखते हैं योशिमोरा 250 सीसी पे कैसी साउंड प्रोड्यूस करेगा। सो साउंड के हवाले से अगर आप इन पर्सन इसे सुनेंगे तो आपकी स्माइल ये जाएगी, बहुत आउटक्लास साउंड है इसकी। और अभी आपने देखा स्टैंड पे लगा भाग रहा था, 70 cc भी भागता है, अगर आप 70 को इस पे खड़ा करके स्टैंड पे रेव करेंगे वो भी भागेगा, लेकिन ये अनकंट्रोल हो रहा था। ऑफकोर्स 250 cc इज़ नॉट अ जोक। तो यहाँ पर अगर हम राइट हैंड असम्बली पर देखें तो हमें रियर व्यू राउंड मिरर मिल जाता है, जो कि कैफे रेसर के लिए ही यूज़ होता है। असम्बली में हम देखें तो हमें लाइट ऑन एंड ऑफ यहाँ पे ही मिल जाता है, फिर हैजर्ड लाइट का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, हमें चारों इंडिकेटर्स आपके एक साथ जलेंगे, ये पीछे रेट्रो स्टाइल के आप देख सकते हैं इंडिकेटर। और अगर मैं ब्रेक दबाता हूँ तो छोटी सी ब्रेक लाइट जो कि कैफे रेसर के लिए ही होती है वो आपको नज़र आएगी यूँ जलती हुई। बाकी यहाँ पर अगर आप मीटर देखें तो आपको छोटा सा मिनिमम सा मीटर प्रोवाइड किया जाता है, जो आपको मतलब जो सफिशिएंट किस्म की इंफॉर्मेशन है वो सारी प्रोवाइड करता है, ज़्यादा इसे फैलाया नहीं जाता। इसमें आपको ऑडोमीटर मिल जाता है और स्पीडोमीटर मिल जाता है, और साथ ही साथ आपको बस यही कुछ मिल जाता है, ट्रिप मीटर भी मिल जाता है, यहाँ से आप अपना ट्रिप कंट्रोल कर सकते हैं। फिर कैफे रेसर हैंडल बार ऑफकोर्स इसमें यूज़ हुआ हुआ है, सिंगल बार है ये, ठीक है, ऐसे आपको आफ्टर मार्केट भी मिल जाते हैं। फिर हाई बीम और लो बीम का ऑप्शन मिल जाता है लेफ़्ट साइड पे, यहाँ पे हमें टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, ठीक है। हैज़र्ड लाइट को मैं ऑफ़ कर देता हूँ तो टर्न इंडिकेटर्स आपको यूँ जलते हुए नज़र आएंगे, ठीक है। तो फिर उसके साथ नीचे हमें हॉर्न का ऑप्शन मिल जाता है,
बाकी फ्रंट पे अगर आप आएँ तो फ्रंट पे जैसे कैफे रेसर की लाइट होती है गोल लाइट छोटे इशारे उसी तरह, और ग्रिल इसके आगे मौजूद है। LED लाइट इसमें लगाई गई है, ये आप रिंग लाइट देख सकते हैं। इट इज़ बेसिकली आप इसे ऑन रखेंगे तो DRL के तौर पे यूज़ होगी, इसे आप डायरेक्ट कनेक्शन करके आप DRL के तौर पे भी इसे यूज़ कर सकते हैं। बाकी दो प्रोजेक्टर इसके अंदर लगे हुए हैं और बहुत पावरफुल थ्रो देते हैं। फ्रंट टायर की अगर बात करें तो फ्रंट पे हमें काफ़ी मैसिव किस्म का बड़ा 9/9/17 का टायर मिल जाता है, और जैसे हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि इसमें एक अदर डिस्क ब्रेक इसके साथ डुअल पिस्टन कैलिपर डिस्क ब्रेक लगाई गई है जो कि इसे रोकने में मददगार साबित होती है। छोटा शॉर्टी किस्म का मड गार्ड यहाँ पे, ऑफकोर्स हर चीज़ जो आप देख रहे हैं कैफे रेसर के लिए स्पेसिफिकली यूज़ होती है, तो कैफे रेसर में शॉर्ट मड गार्ड ही यूज़ होता है। फिर ग्लासेस को कवर किया गया है बूट्स के साथ इस पर। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि एग्जॉस्ट बैंड पे ऑलरेडी यहाँ पे इन्होंने हीट रैप लगाया हुआ है जो कि आपको नज़र आ रहा है। सेल्फ स्टार्ट इसके यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, और हैंडल लॉक के लिए आपको ऑफ कोर्स स्विच यहाँ पे मिल जाती है। फिर फ्रेम को कवर किया गया है इस पीस ऑफ प्लास्टिक से जो कि इसकी खूबसूरती को इन्हेंस कर देता है। ये ब्रश्ड ब्लैक कलर में इसका आपको छोटे टापे और टेंकी मिल जाती है, और इसके ऊपर बड़ा सारा कैफे रेसर, कोई ब्रांडिंग नहीं हुई हुई, जस्ट कैफे रेसर लिखा गया है। 250cc का एयर कूल्ड इंजन इसमें इस्तेमाल किया गया है। 5-speed रिटर्न शिफ्ट इसमें गियर ट्रांसमिशन यूज़ की गई है। एग्जॉस्ट के बारे में बता भी चुका हूँ और सुना भी चुका हूँ, योशिमोरा का एग्जॉस्ट इसमें यूज़ किया गया है जो कि बहुत ही मैसिव साउंड प्रोड्यूस करता है। 9/9/17 का पीछे भी टायर इस्तेमाल किया गया है स्पोक्स रिम में, और एक अदर ड्रम ब्रेक यूज़ की गई है। आप अपग्रेड भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अगर आप इसका टायर जो है अगर आपको इसको अपग्रेड करना चाहें तो मैक्सिमम इसके अंदर 110/9/17 का टायर इजीली इंस्टॉल हो जाएगा। प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं तो करनी भी चाहिए, क्या प्राइस है इसकी? प्राइस की बात कर लें तो इसकी प्राइस 3.5 लाख प्राइस है। इसकी वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके थे लेकिन वो इतनी डिटेल वीडियो नहीं थी, तो अच्छा जल्दी जल्दी आप बता दें कि इसकी फ्यूल कैपेसिटी कितनी और माइलेज क्या दे रहा है। फ्यूल कैपेसिटी जो फ्यूल स्टोरेज इसके अंदर मैक्सिमम जो है तकरीबन 12 लीटर तक फ्यूल स्टोरेज कैपेसिटी है इसका फ्यूल टैंक है, और जो उसकी फ्यूल की बात करें एवरेज की तो ये आपको तकरीबन एवरेज देता है 35-40 मैक्सिमम 35-40 किलोमीटर पर आवर देने की सलाहियत रखता है, पर लीटर देने की सलाहियत रखता है। ठीक हो गया जी गाइस, 3,50,000 इसकी आस्किंग प्राइस है, बल्कि यही प्राइस है, तो आपको ये अवेलेबल हो जाएगा विद 1 कैफे रेसर हेलमेट एज वेल। थैंक यू सो वेरी मच, आपने इतनी वीडियो पूरी देख ली, क्या कहना है इस बाइक के बारे में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामुअलैकुम।